सो हाई एभ्री वान एन्ड वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल. आई नो तपाईँले पहिला तपाईँहरूले मलाई फेरि भन्छ होला कि यो ऐना अहिले पनि मैला छ भनेर. मैले सफा गरेको यार, पता नि कति छिटो दाग लाग्छ नि लाग्छ यसमा. अलि याद भएको बेलामा सफा एक मिनटको काम हो भाइ. ओके सो भइहाल्यो ढ्यान्टर एन्ड क्लिन त भइहाल्यो है. ऑफ कोर्स पसीना तो आना चाहिए ना, तब जाके फैट लॉस होगा. अभी और तुमको 5 kg और घटना है प्रियंका को. दीदी अब दीदी प्रियंका को 5 kg और घटना है. आपको क्या कहना है? आपको 5 kg मोटा होना है. आपको आपको 5 kg बढ़ना है. देखो तो कमर देखो कहाँ है. देखो दीदी को पेट निकल गया है. वहाँ था दीदी आपको पेट कहाँ है दिखाना. दीदी आप और प्रियंका सेम हो, दोनों पतला नहीं कहाँ है पेट. ये कपड़ा है इतना तो अब हो जाता है. आपको 5 kg बढ़ना है ठीक है. जब यहाँ पे खाना बनाते हो ना, खाना खाने के बाद एक प्लेट खा के जाया करो, फिर आपको वेट गेन हो जाएगा. फिर अगले महीने से दीदी नहीं आएगा फिर यहाँ पे. वो डाइट कर रहे हो आप? डाइटिंग बढ़ाना नहीं है दीदी. सो यहाँ आप सफा भैया अलग दाग रहे तेरे का छोड़ दे अनि बादमा सफा गर्छु. सो गाइज फाइनली मेरो बर्थडे मेरो सबै एकदम त्यो बर्थडे सर्थडे लड्डे सब खतम भयो होइन. अब म अफिसियली यो फुल चाहिँ मेरो पतिदेवले दिएको थियो, तर यो अब यो फुल फ्याँकिदिन्छु उयो भयो नि त, पुरानो भइसक्यो नि त, यो सडिसक्यो नि त, कुया आउँछ फेरि किरा हुन्छ. दिदीले के भन्दैछ? हात नै बडा, पैर नै बडा, सिर्फ उमर बडा. दिदी ये देखो मेरे लिए फूल आया था ऑर्डर. पति देव ने फूल लेके आया था ना, मतलब क्या एक दिन पहले लाके बालकनी में रखा उसने. अच्छा वो देने के लिए छुपा के. बर्थडे के रात को हमने पूरा जब केक काटा था ना उधर भी नहीं दिया, घर पे आके नेक्स्ट डे दिया, तब तक ये फूल सिकुड़ गया था धूप के वजह से. वो पर्सनल गिफ्ट देना है ना. ओह माय गॉड दीदी को भी पता है पर्सनल गिफ्ट. दीदी आप बताओ तो ऑर्थर वैसे बात करता है, आप कितने साल से हमें जानते हो, वैसे बात नहीं करता ना. देखा और देखो फूल भी नहीं दिया उस लोगों के सामने, इतना शर्माता है वो. क्या बोले आपको पति भी शर्माता है? वो नहीं शर्माता देता है आपको फूल. बाय द वे गाइस ऑफ कोर्स दिदी त तपाईँले चिन्नुहुन्छ होइन, अहिले 2 साल देखि भएको दिदीलाई हम जान्थे. और दिदीको हस्बेन्ड होइन, उनी यहाँ बहुत पासकै काम गर्थे, तो दिदीको वो बोल्दै कि हम दोनों साथ में लंच करते पार्क के सामने आ जाना, लेकिन दिदी थोड़ा बिजी हो जाती है. तो लास्ट टाइम दिदी बात कर रही थी उनके हस्बैंड के साथ, तो ही वॉज वो थोड़ा सा अपसेट था क्योंकि लंच के लिए बुलाया था ना, तो दीदी के पास टाइम नहीं था. तो दीदी बोलते मैं अभी मेरे पास क्या करूँ, टाइम नहीं है, वो लंच के लिए बुला रहे. दोनों का यहाँ पे पार्क पे डेट होता है, डेट लंच डेट साथ में जाते होंगे ना. नहीं साथ में नहीं जा पाते ना, कैसे जाएगा साथ में वो जल्दी छुट्टी हो जाता है दीदी उनका. हाँ वो 4 बजे चले जाते, आपको लेट हो जाता है ना. अब इतना गर्मी है बाहर तो निकलने का मन ही नहीं करता ना. तो तुमने बताया नहीं, तुमको कैसा लग रहा है? किस बारे में? 32 years old हो गया मेरे को, मतलब मन में. मेरे को 32 years old मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. आई रियली वॉन्ट, अब मैं अपने आप को 40 साल में देखना चाहती हूँ कि मैं कैसे लगती हूँ. पहले पिंकी का था 30 में, जब मैं पहुंचूंगा मुझे देखना है मैं कैसी दिखती हूँ कैसे, अब उसका 40 में हो गया है. काफी टाइम से तपाईँलाई याद छ मलाई हमेसा 30 इयर्सको मलाई एकदम हुनु मन थियो, मैले सब मेरो पुरा फ्यामिलीलाई पनि भनेको थिएँ क्या. एन्ड नाउ 30 त भइसक्यो,
So now I want to see myself. Now 40 our baby. Our baby plan got up. Unsa your 32 wife. Yeah, baby plan got up. Unsa. Yeah, Jita Jagta. Yota baby chha. Aam wale bondhte the. Chha Jita Jagta baby. Kholle? Amra aam wale bondhte the ki sabhi ko pota poti nati nati na hai. Vaisa ki sabhi ko mere ghar mein yeh aur nati nati na chahi na ho. Arey yar mo yeh isko yeh baby bhai rahega chhu. Bolle aam wale bondhte ki. तो ताप हुन्छ र तेरो छोरी अगाडि नानी हुन्छ त्यो पनि हुन सक्छ भाई जिन्दगीको के भरोसा यो त सानो खेलाउना हो यु नो वाट गाइज डेलीमा यति बिघ्न अहिले ह्युमिड स्टार्ट हुँदैछ दिस इज जस्ट द बिगिनिङ अफ समर अहिले यति धेरै गरम भइरहेको छ अन्त अहिले अब तपाईँहरूले सोच्दै होला दिदी के गर्दैछ यहाँ भनेर एक्चुली दिदी चाहिँ यहाँनिर आउनुहुन्छ यो महिनाबाट चाहिँ फ्रम दिस मन्थ सी इज कमिङ हियर टु कुक होइन जे खानाको लागि मात्रै बाँकी त आई डु इट माइसेल्फ किनभने म डेली आफ्नो लागि खाना बनाएर बनाएर मलाई एकदमै धेरै बोर भइसकेको छ क्या अनि दिदी सी कम्स फर वान टाइम होइन एक टाइमको लागि आउँछ खानाहरू बनाउँछ अन्त अथरको लागि चाहिँ आई ओन्ली कुक डिनरको लागि किन मोस्टली अथर बिहानदेखिको बेलुकासम्म ऊ काममा हुन्छ होइन त सो डिनर चाहिँ आई हेभ टु कुक फर अथर लन्चको लागि दिदीले मेरो लागि बनाउँछ किनभने मेरो हातको खाना खाएर खाएर आइ एम भेरी टायर्ड सो नाउ आई वन्ट कि दिदीको हातको खाना खानु एनिवे दिदीले बहुत राम्रो खाना बनाउँछ कल दीदी ने पराठा बनाया था बहुत टेस्टी लेकिन पराठा में नमक नहीं था दीदी नहीं मैंने बोला दीदी बहुत अच्छा खाना बनाती कल फर्स्ट डे था ना तो दीदी थोड़ा नर्वस हो गया ना नया घर है इसलिए ना नहीं नहीं भूल गए दीदी ना दीदी हम लोग बात करते करते भूल गए भाई यहाँ ना ये प्रियंका मेरी स्नेक प्लांट यार नया पलाउँदै छ यो पनि नया हो यो पनि नया पलाउँदै छ प्लान्ट चाहिँ यो त यहाँ एभोकाडो चाहिँ कहिले हुन्छ कुनै तर बाह्र निम्बु पनि रोपिरहेको छ लेमन अन्त कुनै के रोपिरहेको छ सुन न अथरले नि पहिला मैले यो प्लान्ट किन्दा के भन्थ्यो के भन्छ वाट इज दिस वेस्ट अफ मनी भन्थे होइन अहिले डेली बिहान उठेर सबसे पहिला के गर्छ भन्दा कफी पनि चाहिँदैन पहिला त हमेसा कफी चाहिन्थ्यो बिहान उठ्छ सबै प्लान्ट्सहरू चेक गर्छ हो अन्त अस्ति पनि त्यो स्प्रे बोटल बनाइरहेको छ पानी हालेर अन्त पुरा माथि सफा त्यो मैला धुलो हुन्छ नि धुलो सफा गर्छ हो यो प्लान्ट्सहरू सुमसुमाउँछ त्यो बाहिर कुनै के एभोकाडो त्यो निम्बुहरूको त्यो गेडागुडी हालेको र त्यो चेक गर्छ अनि फुसफुस पानी हाल्छ त्यहाँबाट त कफी पिन्छ त्यो हुँदो रहेछ क्या मैले चाहिँ किनेको बादमा चाहिँ मलाई यस्तो उयो छैन तर उसलाई चाहिँ अब उसलाई चाहिँ मन भएछ क्या यहाँनिर प्लान्ट्सहरूमा दिदी भोगी चावल बनाउँगी मैं ओके सो दिदीले यहाँनिर सब कुरा साफ सफाई भयो अब म यहाँ फटाफट चावल बनाउँछु ओके दिदी जाओ जा रही हो आप हाँ धन्यवाद बाय 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 27 साल में मेरा तीनों बच्चे हो गया तो फिर मेरा ये कैसा एज लग रहा है ओ इसका मतलब दीदी मेरे को ये बताना चाहती है कि मैं अब बहुत मेरा एक्सपायरी डेट हो गया दिखाओ 27 साल में वो फोटो है मतलब आपका 27 साल में तीन बच्चे हो गए थे ओ माय गॉड एबल दीदी आपका तीन बेटी है ना नहीं दो बेटी एक बेटा 27 साल में तो प्रियंका तुम्हारा तुम कितने साल का है 25 हां 2 साल सितंबर में दीदी आप कितने साल में शादी हो गई थी 16 साल में 16 साल में लेकिन दीदी लेकिन ये तो लीगल नहीं है ना इंडिया में 18 साल के बाद होता है अरे मम्मी पहले हो जाता था आपने राजी हो तो कोई बात नहीं ना राजी होना आपका अरेंज मैरिज था लव मैरिज था ना अरे दोनों मैरिज था नहीं दीदी अरेंज मैरिज करके फिर लव हुआ या पहले ही थोड़ा बहुत पहले हुआ फिर बाद में हो गया लेकिन एक दूसरे को देखा था ना आप लोगों ने कितना साल हो गया 25 साल नहीं जाता 26 साल हो लेकिन 26 साल में भी आज भी इतना प्यार है कि वो दोनों लंच भी पार्क में सामने मतलब बैठ के खाने का मन है अभी तो हम लोग यहाँ पे 5-6 महीने में यहाँ पे टेंशन हो जाते हैं उनके 26 साल हो गए क्या ढूंढ रहे हो बेटा क्या चाहिए आपको कुछ नहीं क्या चाहिए चाहिए है तो बोलो तो क्या फ्रूट सबसे नीचे ये कब का है 2020 में माय गॉड बाल तो स्ट्रेट लग नहीं रहा सेम फ्रूट ए खोज ना नीचे सा फ्रूट हां क्यों ये जामुन हो बेटा खा ना भाई ओनली वन पीस अभी दिखाऊंगी कल अभी बाद में दिखा देना कोई बात नहीं ऊपर नहीं जा रहा है ना इसको कैसे हटाऊं डिक्लाइन
ओह माय गॉड बाप आप हो कुछ कुछ होता है बोले पोल दीदी को है ना पोज है ना छत पे बाल सुखा रही थी छत पे बाल सुखा रही थी ना जब कोरोना के टाइम पे ना घर में थी हाँ सेम पे कितना मेरा 5 किलो वेट बढ़ गया था अम्मा 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 5 किलो वेट बढ़ गया था अभी घट गया और घटाना है और बाप रे बाप रे ओके दीदी चलो बाय सी यू टुमारो ओके मैं कैमरा ऑन अफ कर सो अहिले फिलहाल मैं कैमरा अफ छ भन्दै कति अनि मेरो अफ गर्दै कति अहिले बाहिर त निस्किनु भएको छैन गाइस भर्खरै चिकन पनि आयो किनभने यो बोनलेस चिकन चाहिँ हो हाम्रो मिस्टर रुदेनको लागि साइडको त्यो हड्डीवाला 100 रुपियाँको चाहिँ मिस तामाङको लागि बोनलेस मलाई यस्तो मन पर्दैन तर सिर्फ अचारको लागि मात्रै किन्छु सो गाइस अलिक मासु खाएको जस्तो लाग्छ नि तर अथर चाहिँ हड्डी मतलब बोनवाला चाहिँ उसलाई मासु लाग्दैन अरे त्यही भएर यो 1 किलो चाहिँ अथरको अर्को चाहिँ मेरो अहिले फिलहाल चाहिँ हामी यसरी यहाँनिर गफसफ गर्दैछ किनभने यो 2-3 दिन चाहिँ हामी पुरा एकदम फुल पार्टी हुँदैछ नि त हाम्रो नि कुनाको घरमा हामीले पार्टी गरेँ फेरि बाहिर गयौँ फेरि घरमै आमा धुरपुस अन्त बिचमा बाई द वे गाइस सबनम मेरो साथीले मलाई केक पनि पठाएको थियो होइन त्यो चाहिँ प्रियङ्काको ब्लगमा गएर हेर्दा हुन्छ हुन्छ तपाईँहरूले सो त्यो पनि हामीले काटेको थियौँ होइन थ्याङ्क यू साथी दार्लिङ अन्त यो चाहिँ अब भित्र राखिहाल्छु पहिला मासु राखिहाल्नु पऱ्यो है खराब हुन्छ लन्च यो एक करी भिन्डी आलुको सब्जी हिजोको मैले चिकन बनाएको थिएँ पुरा टेस्टी भएको थियो बोनलेस अब के गर्नु अल्छी लाग्छ अथरलाई म पनि बनाउनु पऱ्यो नि एटलिस्ट यहाँ नानाले अब चाहिँ टाइम टाइममा खाना खान्छ नभए खालि त्यहाँ खाना खानु भ्याउँदिनँ भन्दै गरी हुन्छ पता नै के गर्छ पनि खालि खाना खानु भ्याउँदिनँ भन्दै गरी हुन्छ के गर्दैछस् भन्नुपर्छ साफ सफाइ खाना खाइछ खानै भ्याएको छुइनँ हौ बनाउने भनिरहेको हुन्छ यस्तो हो कि मलाई पुरा अल्छी लागिसकेको थियो आफैले बनाएको खाना खाँदा खाँदा बुझेस त्यो पनि दिदीले पनि खाना त मिठो बनाउनुहुन्छ क्या मिठो बनाउँछ दामी बनाउँछ हामीले खाने जस्तो बनाउँदैन स्पाइसीवाला क्या हामीले खाने र दिल्लीमा खाना बनाउने डिफरेन्स छैन बेसी सेमै छ मलाई चाहिँ क्रिकेटहरू खेलेको छैन रहेछ है अब गर्मी छुरु भयो नि त कहाँ सक्छ खेल्नु यस्तो गर्मीमा पनि खेल्दैछ नि क्रिकेट अहिले त खेल्दैन रहेछ फेरि के गर्नु भात नभए हुँदैन एकखेप न एकखेप त भात खानै पर्छ म पनि आजकल त भात मजाले खाएँ बिहान बिहान एकखेप बनाउँछु 12 बजी र बेलुका 2 टाइम नै भइहाल्छ अनि त्यही त गरम गऱ्यो खायो अब पात्रको लागि यो भेन्डी सबै राखिदिन्छु अन्त भरे कति मासु बनाइदिन्छु भयो बोनलेस अन्त बोनलेस मासु जस्तो पनि लाग्दैन हौ अलरेडी बनाएको कस्तो मिठो हुन्छ हौ आफैले बनाउँदा अल्छी लागेन क्या अनि फेरि आफूले बनाउँदा बनाउँदा पनि मिठो लाग्दैन के अच्छा त्यही भएर दिदी चाहिँ खाना मात्रै बनाउँथ्यो अघि पनि मैले भनिसकेँ साफसफाइ चाहिँ मै गर्छु यति पनि अल्छी पनि छैन हो खासमा त खाना बनाउनु मलाई अल्छी लाग्दैन अल्छी लाग्छ तर त्यो हो क्या अलिक टेस्ट अब अलिक टेस्ट अलग भएको छ नि त अन्त मजा आउँछ अल्छी नै अब के गर्छु उमेर पनि बढ्दैछ नि त अलिकति आल्सीपन त आउँछ नि त ओ 32 है दादा म के छिटो टाइम के छिटो उमेर बढेको हो म त्यही छक्क पर्छु क्या राख्दिनँ भने त्यो अचारले भने नि त राख्नु भनेर राख्नु भनेर किनभने त अचार अचारको लागि त म बनाउँछु नि त खाना मेरो लागि चाहिँ अचार राख्नु भनेको अँ
आउँदाले पनि यस्तो खानु हुँदैन अहिले यस्तो मसाला वाला चाहिँ खाँदैन पनि अब मैले बनाएर दिए भने त अब अप्सन छैन तर ही प्रिफर्स नट टु इट टु मच मसाला टाइमहरू पनि कस्तो छिटो बित्छ नि यस्तो सोचेँ पतिदेवले भनिरहेको छ राख्नु भनेपछि किन नराख्ने पतिदेवले नै मेरो मेरो धर्म पत्नीलाई राख्नु पर्छ भनेर चाहिँ लागिराख्नु पर्छ राख्नु पर्यो नि त होइन अनुहार है नअनुहार कुन चाहिँ एङ्गल राम्रो भने आफू आफूलाई ट्यालेन्टेडको ट्या हटाइदियो लेन्थ मात्रै छ खाना त मिठो भयो हुन्छ त्यसमा त नो डाउट तर नेक्स्ट टाइम त्यो पराठा खानु भन्नु ए पराठा त मै बनाउनु जाने छु नि मलाई फेरि तेलहरू बेसी हालेको मन पर्दैन नि त मैले खाएको त खाएको छुइनँ मैले दिदीले बनाएको खाएको अब त के भन्छ दिदीलाई पनि घट्नु मन परेछ भुँडी घटाउनु मन परेछ यतिको फेसिलिटी चाहिँ हुनु पर्यो कुनालले कल गर्दैछ उठाइदिउँ